गुड मॉर्निंग, मैं प्रशांत गहलोत, एंशंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा नवा इंट्रो वीडियो है जिसमें हम आपको सारे लाइव स्टॉक से रिलेटेड, प्लांटेशन एंड फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स, मेडिसिनल प्लांट्स, लॉग कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल फार्मिंग, सभी बिजनेस आइडिया को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो हॉट फेवरेट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, फिश फार्मिंग, मछली पालन को लेकर एकदम धूम सी मची हुई है। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। जो उसमें सबसे पहला है एक्वेरियम, रंगीन मछली पालन, दूसरा नेचुरल पॉन्ड, तालाब, पोखर, जो भी आपकी नेचुरल बॉडीज़ हैं उनमें मछली पालन, सीमेंटेड टैंक जहाँ पर नेचुरल पॉन्ड, तालाब या पोखर का निर्माण करना संभव नहीं है, वहाँ पर हम सीमेंट टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। रेस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें भी हम सीमेंट टैंक में, तारपुलिन टैंक में, फाइबर शीट टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो अभी आजकल के टाइम में चल रहा है, बायोफ्लॉक मछली पालन इन हाई डेंसिटी। एंड लास्ट इज IPRS, इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम। दिस इज़ अ न्यू इनोवेटिव टेक्निक। और इसके अलावा भी NFDB जो है हमारा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, मछली पालन के अंदर 39 स्कीम्स को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा इंट्रो वीडियो है। इसके बाद जो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे वो फिश फार्मिंग को ही लेकर बनाएंगे, जिससे आप सब लोगों को एक विस्तृत जानकारी मिल पाए सभी तरीके में मछली पालन करने के लिए। इसके अलावा लाइव स्टॉक पशुपालन, जिसमें आपका टॉप पर है पोल्ट्री मुर्गी पालन, लेयर एंड मीट, जिसमें आप अंडे के लिए और मांस के लिए। उसके अलावा सेकंड इज डक फार्मिंग, बत्तख पालन। थर्ड इज डेयरी फार्मिंग, डेयरी उद्योग, जिसमें आपका दूध से रिलेटेड सभी बिजनेस आ जाते हैं। फोर्थ इज क्विल फार्मिंग, बटेर पालन। फिफ्थ इज टर्की फार्मिंग। सिक्स इज गिनी फाउल फार्मिंग, जिसे आप चाइनीज़ मुर्गी जो इम्पोर्टेड है साउथ अफ्रीका से। उसके अलावा कंट्री चिक्स, जिसे आप देसी मुर्गी पालन के नाम से भी जानते हैं। पिग फार्मिंग, सुअर पालन, कड़कनाथ ब्लैक चिकन, कड़कनाथ पालन, जो कि आजकल काफ़ी टाइम से धूम मचाए हुए, पर अभी इनपुट आउटपुट कॉस्ट को लेकर उसमें भी काफ़ी इश्यूज आप देख रहे होंगे। पुणे की काफ़ी कंपनीज हैं, इटावा, झांसी, यूपी में भी काफ़ी सारे किसान लोग हैं जो इसको पालकर अभी जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है उतना भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा रैबिट फार्मिंग, खरगोश पालन में भी लोगों ने बहुत सुना है, एक अच्छा बिजनेस है, पर सही प्लान ना होने की वजह से ये भी एक दुग्धाई बिजनेस हो गया है। EMU फार्मिंग, मील वॉर्म फार्मिंग, मैगोट फार्मिंग, इसके भी आपने नाम यूट्यूब पर काफ़ी सुने होंगे। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ पालन, ये अपने प्राचीन टाइम से ही चला आ रहा है और एक काफ़ी सक्सेसफुल वेंचर है। इसके अलावा प्लांटेशन एंड फ्लोरिकल्चर, पेड़ एवं फूल में पॉपुलर, बहुत टाइम से आपने सुना होगा पॉपुलर का, दिया सलाई वगैरह के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है इसकी लकड़ी। उसके अलावा यूकेलिप्टस, मेंथा ऑयल, पेपरमेंट में जिसे हम यूज़ करते हैं, स्टीविया प्लांटेशन, मीठी तुलसी, टीक प्लांटेशन, सागौन, सैंडलवुड प्लांटेशन, चंदन की लकड़ी, ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन। ड्रैगन फ्रूट एक एग्जॉटिक फ्रूट से जो काफ़ी इस्तेमाल होता है आपका। डेट्स प्लांटेशन, खजूर की खेती, लोकल फ्रूट्स, लेमन, नींबू, मैंगो, आम,
ग्रेप्स, अंगूर, पपाया प्लांटेशन, पपीते की खेती, बैम्बू प्लांटेशन, बांस की खेती, बनाना प्लांटेशन, केले की खेती। इसके अलावा वेजिटेबल्स में कुकुम्बर, खीरा, चेरी टमाटो, टमाटर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ब्रोकली, कलर्ड कैबेज, मशरूम, पत्ता गोभी। ये वेजिटेबल्स में है। जो सब्जियों में आपने देखा होगा एग्जॉटिक सब्जियां हैं जिनके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो अलग बात है कि वो फार्मर से ज़्यादा प्राइस में खरीदे गए हैं या नहीं, पर एंड कस्टमर के पास वो ज़्यादा प्राइस में ही जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स, फूल में रोज़ हमेशा से टॉप में रहा है, जरबेरा, रजनीगंधा, सीजनल फ्लावर जैसे आपके जो भी मौसमी फूल हैं गर्मियों के, सर्दियों के, गेंदा, डहेलिया आदि। तो आप इन सब बिजनेस आइडियाज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे और ये सब एक सक्सेसफुल वेंचर है, पर सही प्लानिंग और सही मार्केट अप्रोच ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये किसान को और युवा को घाटे का सौदा साबित होते हैं। इसके अलावा आपने न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स में देखी होंगी जो नई नई खोजें, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, इंडोर फार्मिंग, ये भी आपने बहुत सुना होगा। इनपुट कॉस्ट जो है इन प्रोजेक्ट की काफ़ी हाई है, पर आउटपुट ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडिएटर, ट्रेडर। सो ये भी एक कंसर्न है आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। फर्दर इनमें इश्यूज आते हैं आपको नेमेटोड्स वगैरह के, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को पे भी हम काम करेंगे कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर वे में प्लान हो। उसके अलावा आपने सुना होगा स्पाइरोलिना एक रिच प्रोटीन सोर्स है। आप स्पेस वगैरह में जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट जाते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। डकवीट बहुत आपने सुना होगा, अजोला, फार्मर को जो मिलता है उसका एक अलग प्राइस है, 250 रुपीज़ kg, 300 रुपीज़ kg। मैं ये जितने भी रेट बोल रहा हूँ ये अपने हरियाणा, दिल्ली, NCR को बोल रहा हूँ, शायद आपके एरिया में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और जो आउटपुट कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो इस चीज़ को भी समझना होगा। लाख कल्टीवेशन बहुत टाइम से अपने इंडिया में चलता आ रहा है, यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती थी, पर जब 2009 का वर्ल्ड अटैक हुआ अपना US में, तो ये एक्सपोर्ट के टाइम पर इसको बहुत इशू आया, तो उस टाइम पर फार्मर इससे दूर हो गया और अभी इसका प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है और एक अच्छी खेती है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो हमारे किसान भाई पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, जिसमें वीट, गेहूँ, राइस, चावल, शुगर, गन्ना, मेलेट्स, बाजरा, मेज़, मक्का, सोयाबीन, सोया, कॉटन, कपास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा एक सक्सेसफुल वेंचर है और बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, पर इनपुट और आउटपुट कॉस्ट का वहाँ पर भी इश्यूज हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधे, एलोवेरा, गूसबेरी, आंवला, अपने इंडियन मसाले, इंडियन स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक, गार्लिक, लहसुन, चिली, मिर्च, बहुत सारे हैं। इसमें भी आपने टाइम टाइम पर सुना होगा काले गेहूं की खेती, काली हल्दी की खेती, बट उनका जो मार्केट है वो लिमिटेड है। तो आप जब भी किसी बिजनेस वेंचर को इस्टेब्लिश करें तो प्रोडक्शन से पहले मार्केट और अपनी रिसर्च YouTube तक ना रखें, YouTube से बियॉन्ड भी एक दुनिया है जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को इवेल्यूएट करें। कुछ सक्सेसफुल फार्मर्स, फेलियर फार्मर्स, अपना इनबिल्ट सर्कल, उन सब में जाके आप डिस्कस करें। और भी बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अभी न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जब से पॉलीथीन 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 आपका बंद हुआ है, उसके बाद आपका पेपर प्लेट मेकिंग, एग ट्रे मेकिंग मशीन, स्पाइसेस मेकिंग प्रोसेस जहाँ पे आप मसाला वसाला प्रोसेस करते हैं,
रिसाइकलिंग सिस्टम, पॉलीथीन की रिसाइकलिंग, आपका और भी जो वेस्टेज है उनकी रिसाइकलिंग, मिल्क कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग सेंटर, रेंटल इनकम, हमेशा से एक अच्छा बिजनेस रहा है। और आपने देखा भी होगा अपने घरों में, आप एक कमरे, दो कमरे, 1 BHK, 2 BHK जो बनाते हैं उससे भी आप एक अच्छी रेंटल इनकम ले सकते हैं, जिसमें आप ओयो, माई होम, नेस्ट, एक्सेट्रा, बहुत से कंपनीज आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल जितना भी है सब अपने अपने प्रॉफिट में लगे हुए हैं। तो हर एक चीज़ में इनपुट कॉस्ट आपका हाई है, आउटपुट कॉस्ट लो है। तो यही हमारा सबसे बड़ा रीज़न है कोई भी बिजनेस को पास और फेल होने का। फिर इसमें और भी जो मिडल मैन है, मीडिएटर हैं, उसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आते हैं, जैसे आपका बाईबैक स्कीम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लोकल मार्केट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये सब चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं भी कंसल्टेंसी लेने से पहले। सक्सेसफुल फैमिली मेम्बर्स एज अ फार्मर, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको मिलना ही चाहिए। फार्म विजिट आप कर सकते हैं, वो कब से इस वेंचर में है वो आप देख सकते हैं, उनका नॉलेज क्राइटेरिया क्या है, मनी माइंडेड कितना है, उन सब चीज़ों को भी आप फोकस करें। जितना भी आपका लाइव स्टॉक है, जो मेन आपका खर्चा है, जो भी एक्सपेंस है, वो आपका फीड को लेके है, जो 50-70% आपका टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट का होगा। उसके अलावा शेड है, सीड है, मेडिसिन है, लेबर है, मोर्टेलिटी है, स्किल्ड लेबर की कमी है, उन सब चीज़ों में भी आपका 30-35% जाता है। तो वो सब चीज़ें आप कोई भी लाइव स्टॉक, कोई भी बिजनेस करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करें, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकती है। बहुत फ्रीली इंफॉर्मेशन आपको नेट पर मिलेगा, उसको वैलिडेट करें, जेन्युइन पर्सन से मिलें। अब इन सब चीज़ों का जो सल्यूशन है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल फिश फार्मिंग अपना एंशियंट बिजनेस है, बहुत टाइम से हम इसको करते आ रहे हैं। पहले ये मछुआरों का काम होता था, पर अभी जितना भी आप देखेंगे एज ए बिजनेस लोग उसमें आ गए हैं, और एक अच्छा भी है फार्मर्स के लिए भी और यूथ के लिए भी। पर मेन हमें समझना पड़ेगा सप्लाई और डिमांड को। अभी तक जो हम कर रहे थे IMC कर रहे थे, जिसमें आपकी रोहू, कतला, मृगल, एग्जॉटिक में आपका सिल्वर कॉर्न, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प की फार्मिंग हम करते आ रहे थे। उसके अलावा कैटफिश में हम लोग फोकस कर रहे थे पंगेशियस, मांगुर। पर जब से बायोफ्लॉक आया है तो हम एक छोटे एनवायरनमेंट में, जो 10,000 लीटर, 15,000 लीटर का टैंक है, जिसमें हम अपना 500-700 किलो तक का बायोमास ले सकते हैं, अगर इनपुट और आउटपुट कॉस्ट को लगाया जाए, तो उसमें हमारा प्रॉफिट जो आएगा फोर टू सिक्स मंथ्स में अप्रॉक्स 40,000-50,000 का होगा। तो एक ठीक ठाक अर्निंग है आपकी एक टैंक से। पर उन चीज़ों को आपको समझना होगा कि हाई वैल्यू फिश का मार्केट इतना नहीं है, जैसे हिल्सा बंगाल में आपकी हॉट फेवरेट है, सिंगी हॉट फेवरेट है, काफ़ी कॉस्टली फिश है, कोई। तो ये सब चीज़ें सप्लाई और डिमांड को ही बिगाड़ेगा। फिर बीच में मिडिल मैन एक्टिव हो जाएगा, सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी, डिमांड होगी नहीं, तो वो उसका प्राइस भी डाउन आ जाएगा। इनपुट कॉस्ट उसका हाई है, इसीलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा है। प्रॉन, झींगा आपने सुना होगा कि 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये किलो बिक रहा है, पर उसका कॉस्टिंग भी उतना ही है कि उसमें 140-160 रुपये का खर्चा भी आ रहा है, और कंटिन्यूस सर्वेलेंस है आपका, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए। तो उन सब चीज़ों को आपको फोकस करना होगा। बेटर है कि इनपुट कॉस्ट को कम से कम रख के जितना भी आप प्रोडक्शन कर पाए वही आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे रोहू, कतला, मृगल, आप कितना भी लेके आए वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मेन है कि आपका इनपुट कॉस्ट कम होना चाहिए। नेचुरल पॉन्ड की अगर आप बात करें तो उसमें आप ईजली 17-25 रुपये लगा के 100 रुपीज़ पर KG में अपना मछली को बेच सकते हैं। सीमेंटेड टैंक, रेस, बायोफ्लॉक में 40-50% जो आपका जाएगा वो इनपुट कॉस्ट पे जाएगा,
और उसमें प्रॉफिट में जाएगा। अगर आपका हाई ईल्ड आप ले रहे हो तो आपका इनपुट भी ज़्यादा लगेगा, अगर आप टन में ले रहे हो तो फीड पर भी आपको अच्छा खासा एक अमाउंट खर्च करना होगा। तो वो सब चीज़ें आप फोकस करके तभी अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कीजिए। उसमें भी फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास और भी है, जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स, आप 4-5 लोग फार्मर बन के एक क्लस्टर फार्मिंग मॉडल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें कोई आपके लिए शेड मेंटेनेंस कर दे, कोई आपको सीड प्रोवाइड कराए, कोई आपको फीड प्रोवाइड कराए, और एक जो भी एंड कस्टमर है वो बाइंग कैपेसिटी उसकी बीच में डिक्लेयर करें। सोसाइटी बना सकते हैं आप ऑन विलेज लेवल। सक्सेसफुल एग्जांपल इज़ अमूल वीटा। वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे भी आप फिश वगैरह की प्रोसेस कर रहे हैं तो जो भी आप वेस्ट निकल रहा है उसको एज अ फिश मील प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका भी रेट आपका 17 से 25 रुपये का इंडियन करेंसी में है, और वो हर एक लाइव स्टॉक में आपका यूज़ होता है, चाहे वो पोल्ट्री हो, डक फार्मिंग हो, कोयल हो, टर्की हो, गिन्नी फाउल हो, कंट्री चिक्स हो, कड़कनाथ हो, EMU हो, मीलवर्म हो, सब जगह आपका यूज़ होता है। तो जब भी आप अपने बिजनेस को, वेंचर को सेटअप करें तो उससे पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करें, इनपुट आउटपुट को समझें, उसके बाद ही आप किसी भी बिजनेस में जाने का सोचें। धन्यवाद।